हाय हेलो, सत श्री अकाल माई ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ शिल्पा सूरी और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे बीट रूट के आइस क्यूब बनाकर इसका रोज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, बीट रूट के फ़ायदे तो हम सबको पता ही है। ये हमारी स्किन, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। तो सबसे पहले हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इस तरह से आपको इसमें पानी ऐड करना है और अब इसमें से सारा पानी निकाल लेना है। बीट रूट का जितना भी जूस होगा वो सब निकाल लेना है आपको, इसे छान कर। ये देखिए, इसमें से आपको ऐसे सारा जूस निकाल लेना है। मैंने इसमें 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड की है। आप चाहे तो जस्ट बीट रूट का जूस निकाल कर इसकी आइस क्यूब बनाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी भी ऐड की है और गुलाब जल भी। थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें जूस ऐड करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें और मेरी आइस क्यूब बिल्कुल अच्छी बने। ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। धीरे धीरे मैंने इसमें और भी जूस ऐड करना है। इसको मैंने बिल्कुल मेल्टिंग फॉर्म में रखना है, क्योंकि जितनी इसकी फॉर्म मेल्टिंग होगी उतनी अच्छी इसकी आइस क्यूब्स बनेंगी। आप 7 आइस क्यूब्स बनाकर रख लीजिए और हर रोज़ 1 आइस क्यूब यूज़ कीजिए। बीट रूट हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है। ये देखिए, अब आप इसे ट्रे में डाल लीजिए। इस तरह से आपको इसे ट्रे में ऐड कर लेना है और फ्रीज़र में 3 या 4 आवर्स के लिए आपको इसे लगाना है। आफ्टर 3 या 4 आवर्स मैंने इसे निकाला है और ये बहुत ही अच्छी आइस क्यूब्स बन चुकी हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसे अप्लाई कैसे करना है। बीट रूट आइस क्यूब को हमें किसी कॉटन के क्लॉथ में लेना है। आप चाहे तो हैंकी भी ले सकते हैं, ऐसे कोई भी कॉटन का क्लॉथ ले लीजिए। और इसके बीच हमने आइस क्यूब को रखना है। मैंने यहाँ पे 2 आइस क्यूब्स रखी हैं और इसको ऐसे, आपको डायरेक्ट आइस क्यूब अपने फेस पे अप्लाई नहीं करनी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इसीलिए आप किसी कॉटन के क्लॉथ में इसे डाल लीजिए। और अब इससे आपको मसाज करनी है। इससे आइस क्यूब के जो फ़ायदा है वो भी हमारी स्किन को मिलेगा और हमने इसमें बीट रूट ऐड की है उससे हमारी स्किन बिल्कुल पिंकिश ग्लो करेगी। और मुल्तानी मिट्टी का तो फ़ायदे आपको पता ही है, रोज़ वाटर, ये दोनों चीज़ें नेचुरल हैं, बीट रूट ऑल्सो नेचुरल है। हमें अपने फेस पे ज़्यादातर नेचुरल इंग्रेडिएंट ही यूज़ करने चाहिए। इससे आपकी स्किन बिल्कुल ऑयल फ्री हो जाएगी, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा, जो भी डस्ट होगी वो सारी निकल जाएगी, आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर बन जाएगी। अच्छी तरह से इसकी मसाज करनी है, 5 मिनट्स के लिए इसकी मसाज कीजिए। आप इसे रोज़ यूज़ कर सकते हैं। 7 आइस क्यूब्स आप बना के रख लीजिए और रोज़ 1 आइस क्यूब आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसकी सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। बीटरूट एंटीबैक्टीरियल, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। विटामिन सी इसमें होता है बीटरूट में, जो हमारी स्किन को नेचुरल ग्लो देती है। फाइव मिनट्स मसाज करने के बाद आपने अपने फेस को ऐसे ही रहने देना है और थोड़ी देर बाद अपना फेस वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी 5 मिनट्स मसाज कर ली है। ये देखिए, बिल्कुल मेल्ट हो गया है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो मैंने अब इसको 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही रहने देना है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा फिर मैंने अपना फेस वॉश कर लेना है।
तो फ्रेंड्स आफ्टर 5 मिनट्स ये देखिए बिल्कुल सूख चुका है। अब मुझे अपना फेस वॉश करना है। तो फ्रेंड्स मैंने अपना फेस वॉश कर लिया। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लिए बाय, थैंक यू।